जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हेलो, मैं अनुराधा रेड्डी से बात कर सकती हूँ? कहाँ? कुडाई कनाल? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, कृष्णा कस्तूरी को जरा बुलाइए। जी, मैं उनकी सहेली शमा बोल रही हूँ। जब वो फिल्म देखकर वापस आ जाए तो उनको बोलिए मुझे फोन करें। जी, बहुत अच्छा। आपकी सहेली फिल्म देखने गई है? क्यों? पता नहीं, देखने का तुम्हारा भी मन है? जाने वाली की यहाँ को लेकर जाती हूँ ना, अपने पास में वहाँ की सारी औरतें ना हमेशा फिल्म के बारे में बातें करते रहती है। पास वाले थिएटर में बड़ी अच्छी फिल्म चल रही है आपकी, कई औरतों ने ना दो मरतबा देखी है, वो कई कई मरतबा देखी है। ठीक है, इन दिनों मुझे छुट्टियाँ हैं, तुम देख के आ जाओ। आज ही चली जाओ। अकेली जाऊँगी ना? मैं नहीं जा सकती। आप क्यों नहीं जा सकती? आपकी आप कॉलेज जाती है ना, तो फिर आप फिल्म देखने क्यों नहीं जा सकती? मन तो बहुत बातें करता है, पर तू जानती है मन की सुनो तो दुनिया जीने देती है। इतना वैसे भी कहाँ जीने देती है आपकी? और जब आप दुनिया से लड़ ही रही है ना आपकी, तो कुछ वक्त, कुछ थोड़ा सा वक्त अपनी हंसी के लिए भी रख दीजिए। अल्लाह ने आपका ये चेहरा संजीदा रहने के लिए नहीं बनाया है आपकी। आपको नहीं पता आप जो मुस्कुराती हैं तो मानो मोती बिखर पड़ते हैं चारों तरफ। अच्छा, जा तो अपना। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। खालिद हियर। जुबेर, अच्छा किया तुमने याद दिला दिया, मैं अभी अम्मी से बात करता हूं। हाँ? नहीं नहीं, ये तुम्हारी मदद नहीं है, मेरी मदद होगी, इसीलिए तो मैंने खुद बात की थी। हाँ, कल बताता हूं। ओके। किसका फोन था? अम्मी, मेरा साथी वकील है जुबेर, उसे मकान की सख्त जरूरत है, बस उसकी अम्मी और उसकी बीवी। ना मैंने कभी किराएदार रखा है, न रखूंगी। अभी बहुत अच्छे लोग हैं, फिर आप बीमार रहने लगी हैं, किराएदार होगा तो आपका ख्याल रखेगा। मेरा इतना ही ख्याल है तो शादी क्यों नहीं करता? मैं किराएदार नहीं रखूंगी। अम्मी, आप क्यों जिद कर रही हैं? हाँ, मैं जिद करूंगी, हजार बार करूंगी, जब तक तू नहीं मानता जिद करूंगी। ठीक है, अगर आप किराएदार नहीं रखना चाहती तो मत रखिए, मैं आपकी दवा लेने जा रहा। मेरी कल तक की दवा है, तू घर में बैठ। आज इतवार है, तू घर में बैठ। अम्मी, मुझे फिर दफ्तर जाना है, कल जो काम है आज ही खत्म करूंगा। तेरी कचहरी को छुट्टी नहीं है क्या? नहीं, गौर साहब मुझे कहकर गए हैं कि दफ्तर में बैठा करो। अब ये हैं महावीर प्रसाद जी, इनकी क्या तारीफ करूं। सत्यजीत जी ने बड़बड़ करने से मना किया है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि बड़े सज्जन पुरुष हैं। और ये है बेटा प्रकाश, जैसे राजा दशरथ का राम। बड़ा आज्ञाकारी पुत्र है और इनके इशारों पर चलने वाला। आओ बेटी, खिलाओ।
ये हैं जी वो जिन्हें सत्यजीत जी ने आपके घर के लिए चुना है। बड़ी सुंदर सुघड़ और सुलक्षणी महावीर प्रसाद जी। अब आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। पत्रिका प्रकाश भी अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। ये काम आप लोग हम पर छोड़ दीजिए, हम खुद ही बात कर लेंगे और बात करने के बाद आपको बता देंगे। क्यों ताऊ जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? बिल्कुल, मैं तो वैसे ही यहाँ आने वाला नहीं था, ये तो सत्यजीत जी ने बुला लिया। चलिए हाँ, चलो भाई आपस में बात करने दो, हम लोग चलते हैं। आओ ना बैठो। प्रकाश कुछ पूछना है क्या? बहन जी, आपने हमारी लड़की को पसंद कर लिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। बस शादी के बाद शीला को अपनी ही बेटी समझिए, हमसे जो हो सकता है हम करेंगे। बहन जी, हमें तो सीधी शादी और सुंदर लड़की चाहिए थी, तो हमें मिल गई और हमारे बेटे को भी पसंद आ गई है। आंटी हमें प्लीज शीला की फोटोग्राफ दिखाइए ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, कि अकेले में कोई तस्वीर नहीं है। कोई बात नहीं, आप हमें ग्रुप की फोटोग्राफ ला दें। वो क्या है ना आंटी, जब सबको हम बताएंगे कि ये रिश्ता पक्का हो गया, तो जो रिश्तेदार यहाँ पर नहीं आ पाए वो तो कहेंगे ना कि हमें भी फोटो दिखाओ। तुम्हारा सौभाग्य है कि आपका रिश्ता तय हो रहा है। बेटे तुमने शीला से बातचीत कर ली, काफी पढ़ी लिखी लड़की है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हें पसंद आएगी। पिताजी और माताश्री को पसंद है तो मैं क्या करूँ। देखा मोहनलाल जी, मैंने कहा था ना कि प्रकाश बेटे को दशरथ के पुत्र राम समझो। अब बात पक्की हो गई है महावीर प्रसाद जी, सब बात पक्की हो गई है। जल्दी से पंडित को बुलाइए, तिथि तय करवाइए और फटाफट मंगनी कर दीजिए, तो इसमें देरी नहीं होनी चाहिए, है ना? नरेंद्र भी आ जाए तो बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, से भी बात कर लेते हैं। महावीर प्रसाद जी आपकी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है ना मोहनलाल जी? ऐ गलत तो नहीं कह रहा हूँ। बस यही ले जाना, और कुछ नहीं? नहीं और कुछ नहीं। चल Give me the sweetest kiss, darling. My training is over and now regular posting. Really? Oh God, क्या बात है? कब आ रहे हो? नहीं आ रहा हूँ, तुम्हें बुला रहा हूँ। दो दिन की छुट्टी लो और आ जाओ। देखो सैटरडे संडे मंडे छुट्टी है, हॉलीडे, यानी कि 5 दिनों के लिए कस्टम वालों से तुम्हें उड़ा कर ले जाऊंगा। शुक्र है, उड़ा कर ले जाने की बात सोची तो सही, मुझे तो लग रहा था मुझे उड़ा कर ले जाना पड़ेगा तुम्हें। हवा के घोड़े पर नहीं, परमानेंट नौकरी के घोड़े पे सवार हूँ, अब देखना क्या करता हूँ। बोलो आ रही हो ना? आ रही हूँ, लेकिन आज डेट के लिए जा रही हूँ। बस डेट खत्म हो गई, फ्री हो गई, आ जाती हूँ। अब यहाँ वहाँ रेड मारना बंद करो, रेड मारनी है तो मुझ पर मारो। तस्करी का इतना माल मिलेगा इस छोटे से दिल के गोदामों में कि माला माल हो जाओगी। मुझे तस्करी का माल नहीं चाहिए, तस्करी चाहिए, इसने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर रखा, उसे पकड़ना है। जब तक वो ना चाहे उसे पकड़ना आसान नहीं। हाँ 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 हाँ, जो इतना मुश्किल लग रहा है देखते हैं वक्त के साथ अमिता के लिए कितना आसान हो जाता है। अच्छा जान, अब ये नीचे हॉर्न मार रहा है, मैं चलती हूँ, मैं बाद में बात करूँ। बाय बाय। भैया जब बाहर जाओ ये चिट्ठी डाल देना। ये चिट्ठी किसे लिखी तुमने? नरेंद्र को। नरेंद्र को? लेकिन मैंने नहीं, भाभी ने लिखी। भाभी कहाँ है तुम्हारी? उनकी तबीयत खराब है, वो सो रही है। न तो ये बीमारी उसका पीछा छोड़ती है और न उसकी जान लेती है। अरे मर जाए तो कम से कम जान तो छूटे। क्या कह रहे हो भैया? और नहीं तो क्या, सब कुछ लिख दिया होते चिट्ठी में। शीला तुम अंदर जाओ, मीता तुम भी। भाभी ने सब कुछ लिख दिया है, लेकिन आपको नरेंद्र से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, आखिर वो इस घर का बड़ा लड़का है, उसे पता चलना ही चाहिए।
बिल्कुल भैया, जब सत्यजीत जी कहेंगे तो हमें। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।